आज भी बहुजन समाज के 1/4 नेता पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी के लोगों को घोड़ी पर बैठना दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं, उसका क्या विशेष कारण है उसके बारे में बताएं। हाँ देखिए गौतम साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, जो घोड़ी पर चढ़ने की प्रथा है सामंतवादी प्रथा है जी। हमारे समाज में बाबा साहब कोई घोड़ी पर नहीं चढ़े थे, बाबा साहब कभी घोड़ी पर नहीं चढ़े थे बारात लाने के लिए, ना ही बाबा साहब ने ऐसी कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जो घोड़ी पर चढ़ने वाले सामंतवादी दलित हैं जो अपने समाज में बाइफर्केशन करना चाहते हैं, इनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो घोड़ी सवाल यहाँ घोड़ी का नहीं है, क्योंकि घोड़ी आएगी बग्घी आएगी, बग्घी आएगी लाइट आएगी, लाइट आएगा रिसेप्शन होगा, टेंट लगेगा कपड़े आएंगे खाना बनेगा हलवाई आएगा, एक किस समाज के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के आधार पर इस्तीफा दिया था, जिसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट भी शामिल था, और अगर हमारे समाज को शादी करनी है तो या तो बुद्धिज्म रीति से पानी ग्रहण करके, एक लड़की का पानी ग्रहण करके संस्कार करें, घोड़ी की लड़ाई नहीं है हमारी, क्योंकि घोड़ी की लड़ाई घोड़ी पे चढ़ेगा बढ़ोतरी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो एक सिस्टम है हम उस मनुवादी सिस्टम में घुसते जा रहे हैं। अगर हमारे समाज को बारात में ले जाना है तो उसे मर्सिडीज में ले जानी होगी, रॉयल्स रॉयस में ले जानी होगी, ओडी में ले जानी होगी, घोड़ी की लड़ाई नहीं है हमारी, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो जितना हमारे समाज के लोगों को दबाएंगे हम उतनी बड़ी घोड़ी और बग्घी को लाइट को लेके जाएंगे। जिस समाज के पास, जिसकी लड़की के पास आज, जिसके पास खाने को कपड़ा नहीं है, वो अपनी लड़की की शादी में 20 लाख रुपये कर्जा लेकर लगाता है, और 20 लाख रुपये में से 19 लाख रुपये एक विशेष वर्ग के पास जाता है जिसे वो ब्याज पे लेके लगाता है। आज भी दलित समाज जो है उसके पास पैसा इतना अंधा नहीं है कि वो आँख नीच के लगा दे। रही इन एमपी एमएलए की बात, जो चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं, ये परिणाम है पूना पैक्ट का परिणाम है, साहब काशीराम के चमचायुग का परिणाम है, और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अगर हमारे समाज की बात उठाएं, उन्होंने आज तक किसने किस बात पर इस्तीफा दिया, पहला इतिहास में अगर किसी ने इस्तीफा दिया दलित समाज के लिए तो हिंदू कोड बिल के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और दूसरा हमारी बहन जी बहन कुमारी मायावती ने सहारनपुर कांड के लिए दिया। उसके अलावा हमारे पास हजारों एमएलए हैं, हजारों एमपी रहे हैं, और 4,500 इस वक्त भी हमारे पास एमएलएज हैं। क्या आपको पता है कि किसी ने भी किसी भी कारण से इस्तीफा दिया हो? तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जब तक बात है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन शुड बी एबोलिश, बिकॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज गिवन दैट पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओनली फॉर द 10 इयर्स, बट फॉर द पर्पस ऑफ